Hello friends, today we have with us the handsome hunk Nandish Sandhu, also known as Rehan from Be Intoha, in an exclusive chat with India Forums talking about his love for travelling and food. मुझे travel करना बहुत पसंद है और मैं यही चाहता हूँ कि दुनिया में जितना भी हो सके possible मैं travel करूँ और अलग अलग जगहें देखूँ अपनी life में. Because travelling is something जिससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं. यूजली जैसे कि वो एक कहावत बोलते हैं, कुएं का मेढक, वो बन के नहीं रह जाते हैं. एंड ट्रैवलिंग से हमारा जो माइंड है, हमारा जो थॉट्स हैं, यू गेट अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अबाउट द वर्ल्ड. यू आर मोर, यू कैन एक्सेप्ट पीपल मोर, यू कैन एक्सपीरियंस डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर्स. तो ये सारी चीज़ें ट्रैवलिंग से आपको सीखने को मिलती हैं. एंड आई लव ट्रैवलिंग एंड स्पेशली आफ्टर रीडिंग द इंडिया टुडे ट्रैवल प्लस, व्हेन आई सी सो मेनी प्लेसेस बीइंग मेंशन इन दैट मैगजीन. उसके अंदर आपको अलग अलग जगहों के खाने के बारे में बताया जाता है और आपको हर कुजीन की स्पेशलिटी के बारे में बताया जाता है, वहाँ के रेस्टोरेंट्स के बारे में बताया जाता है. सो यू नो, ट्रैवल प्लस पढ़ के मुझे और मन करता है कि मैं वो सारी जगह जाके देखूँ, घूमूँ और उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करूँ. कैसे जुड़ा हूँ ट्रैवल प्लस से? मैं इसलिए जुड़ा हूँ बिकॉज एज आई सेड, आई लव ट्रैवलिंग एंड आई लव फूड. एंड ट्रैवल प्लस इज़ वन मैगजीन दैट कवर्स बोथ. इसमें आपको ट्रैवलिंग के साथ साथ वहाँ पर क्या चीज़ें अच्छी खाने को मिलती हैं वो बताया जाता है. एंड आई लव फूड सो मच दैट यू नो, दिस इज़ वन मैगजीन विच आई वुड ऑलवेज वॉन्ट टू रीड. एंड यू नो, सी इफ यू सी, दे टॉक अबाउट पेरिस, दे टॉक अबाउट मेलबोर्न, दे टॉक अबाउट ज्यूरिक. सो यू नो ऑल दीज एंड प्लस मेनी 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 मोर प्लेसेस यू वुड सी एंड द काइंड ऑफ पिक्चर्स दैट दे गिव. बिकॉज आई एम अ पिक्चर पर्सन. I more than reading, I love pictures. So the kind of pictures that they give, they're so mind blowing. And you know, you see the places, you can actually visualize if you're there, what would it look like and what is the experience going to be like. So ye sari cheezein jab is magazine mein dekhta hu, to you know, you feel like going to those places. And this is the kind of magazine that I would always want to read and get associated with. First traveling memory within India would be, I think, Vaishno Devi, Jammu. That was the first trip that I remember as a kid, because I was very little that time. I must have been about 3-3.5 years old. और मुझे याद है हम लोग पूरी फैमिली यू नो हैड गॉन टुगेदर, हम लोगों का ट्रेन का सफ़र एंड वो सब. सो आई रिमेंबर इट इन बिट्स एंड पार्ट्स बिकॉज आई वॉज वेरी स्मॉल दैट टाइम. और वो वहाँ की जो चढ़ाई होती है उस पर जाना, और मॉम, आई रिमेंबर मॉम वॉज वेरी वरिड हाउ विल आई रीच द टॉप, बट वी ऑल मैनेज्ड. सो दैट वॉज द फर्स्ट मेमोरी दैट आई हैव ऑफ ट्रैवलिंग till now. Best part about traveling, as I said, you get to know people, you get to know different cultures, and the best part is that you learn a lot when you're traveling. आप जितनी चीज़ें, आप जो भी चीज़ आप लाइफ में खुद देख के जो एक्सपीरियंस करके जो सीखते हैं वो आप कभी भी नहीं भूलते हैं. अगर आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे, आप किसी चीज़ को किसी से सुनेंगे, तो आप शायद उस चीज़ को भूल जाएं, लेकिन आप एक बार खुद एक्सपीरियंस कर लेंगे तो वो चीज़ कभी आपके दिमाग से बाहर नहीं निकलेगी. एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट ट्रैवलिंग, बिकॉज इफ व्हेन यू आर फिजिकली देयर यू एक्सपीरियंसिंग दोज थिंग्स, यू विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट इट. सो इट्स अ वेरी गुड लर्निंग, अ वेरी गुड वे ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स. नहीं, मैंने लैंग्वेज तो कोई नहीं सीखी है, बिकॉज आई हैव नेवर स्टेड इन एनी प्लेस फॉर मोर देन अ फ्यू डेज. तो मैंने कोई ऐसे लैंग्वेज अभी तक नहीं सीखी है, बट आई वुड लव टू लर्न स्पैनिश, बिकॉज आई नो आई फाइंड इट कूल. मुझे लगता है स्पैनिश आए तो अच्छा होता है. फ्रेंच इज़ अनदर लैंग्वेज दैट आई वुड वॉन्ट टू लर्न, बिकॉज फ्रेंच, माई कजन्स स्टे इन कैनेडा एंड दे स्पीक फ्रेंच, तो मुझे मन करता है कि मैं फ्रेंच सीखूँ. सो दीज टू लैंग्वेजेज आर देयर विच आई वुड वॉन्ट टू लर्न फर्स्ट. ट्रैवल करते वक्त you know, it is always important and good to travel light.
और मैं भी उसी चीज़ में बिलीव करता हूँ. सो ट्रैवलिंग करते वक्त जो बेसिक चीज़ें हैं जो मैं अपने पास रखता हूँ, वन वुड बी फ्लैश लाइट जो हमेशा मेरे पास रहती है. वन इज़ अ स्विस नाइफ विच आई थिंक इज़ वेरी कॉमन, एवरीबडी सेज दैट बट इट्स वेरी वेरी यूजफुल. एंड यू नो मल्टी अडेप्टर वेयर यू कैन, बिकॉज गैजेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज एंड आई पर्सनली लिव ऑन गैजेट्स. आई लव माई iPad. You can see I'm still, even when I'm sitting here, my iPad is with me. So gadgets are very important for me. And तो उसके लिए एक मल्टी चार्जर अडेप्टर वो मेरे पास हमेशा रहता है. एंड सम बेसिक यू नो मील रिप्लेसमेंट्स, सम प्रोटीन्स विच आर देयर, बिकॉज इफ़ आई एम ट्रैवलिंग एंड इफ आई कैन नॉट फाइंड द काइंड ऑफ फूड दैट आई वॉन्ट टू ईट, तो मील रिप्लेसमेंट जो है एक चीज़ वो हमेशा मेरे पास रखता हूँ मैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सम मनी, माय कार्ड्स, बिकॉज इफ़ आई वांट टू ट्रैवल लाइट इट्स इम्पॉर्टेंट टू कैरी माय कार्ड, बिकॉज इफ़ आई एम इन नीड ऑफ समथिंग तो मैं वहाँ पर जाकर भी वो चीज़ें खरीद सकता हूँ. आई थिंक राइट नाउ इफ़ यू आस्क मी वॉट इज़ ऑन माई माइंड इज गोइंग टू बी वेनिस, बिकॉज आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट दैट ऑफ दैट प्लेस. And I've heard it's beautiful. I love photography, so I would love to go there and photograph that place. Khana is something which I love. I love food. And thank God, मेरे कुछ ऐसे hang-ups नहीं है कि मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना. मैं सब चीज़ें खाता हूँ और मुझे सब चीज़ें try करना पसंद है. So, खाना मुझे बहुत पसंद है. और मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि आप जिस जगह घूमने जा रहे हैं आपको वहाँ का खाना ट्राई करना चाहिए. सो कुछ लोग होते हैं जिनको यू नो नई चीज़ें नहीं ट्राई करनी होती हैं, तो वो चाहे वो यूएस में जाएंगे तो भी उनको दाल चावल चाहिए, या फिर वो इंडिया में हैं तो भी घर पे दाल चावल खाना है उनको. अगर वो जॉर्डन जाएंगे या मलेशिया जाएंगे तो भी उनको दाल चावल चाहिए. बट ऑल आई वुड वॉन्ट टू से इज देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. बट अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ की यू नो इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर ट्रैवल. अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो माइट इज़ वेल वहाँ का खाना ट्राई कीजिए. एंड अ गुड वे ऑफ नोइंग कि आप जहाँ जा रहे हैं आपको वहाँ पर क्या खाने को मिलेगा, क्या खाने को नहीं मिलेगा, वहाँ की कुजीन क्या होगी, आपको कैसी डिशेज मिलेंगी, अगेन रीड दिस मैगजीन, इट्स अ गुड वे ऑफ नोइंग कि आपको वहाँ पर क्या मिल सकता है. सो टू गेट प्रिपेयर्ड, इट इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर यूर ट्रैवलिंग. थोड़ा सा आप उस जगह के बारे में पढ़िए, वहाँ पर क्या चीज़ें फेमस हैं, वहाँ पर क्या खाने के लिए फेमस है. एंड यू मस्ट गो एंड ट्राई आउट न्यू थिंग्स, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. वियर्डेस्ट मेमोरी आई थिंक फिलहाल अभी मैं जॉर्डन गया था और मैंने वहाँ पर गोट मिल्क ट्राई किया. सो इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, बट देर वॉज वन थिंग दैट आई लाइक्ड इट ऑल्सो एंड इट वॉज अ लिल स्ट्रेंज फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज समबडी एट द रेस्टोरेंट वेयर वी वर ईटिंग इट वॉज यू नो अ वेरी लोकल प्लेस ओवर देयर वेयर वी स्टॉप्ड ओवर फॉर लंच. And that guy asked me if you would want to have something to drink. And I asked him, what all do you have? He said, we have this plus goat milk. I said, wow, I want to try goat milk then. So because goat milk, they say is good for digestion. As kids, when we are small, goat milk is given to kids because it's easy to digest. And I had it after years. And it was good to try that in Jordan. You know, out of all the places, Jordan जाके मैंने वो चीज़ try की, so it was a good experience. Advice इतनी देना चाहूँगा that when you're traveling, travel light, travel safe, be careful because there are a lot of risks involved with the traveling part of it. आप मज़े कर तो करते हैं लेकिन बहुत सारी उसमें risks होती हैं, जहाँ पर आप अपने luggage का ख्याल रखिए when you're traveling, take care of your belongings. और थोड़ा सा बी अलर्ट बिकॉज सो दैट देर इज़ नो टैम्परिंग डन विद योर बैगेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू कैन गेट स्टक व्हेन इट्स नॉट इवन योर फॉल्ट. सो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्राई आउट डिफरेंट फूड्स व्हेन यू आर ट्रैवलिंग. डोंट जस्ट स्टिक ऑन टू द सेम काइंड ऑफ फूड विच वी ईट एवरी डे व्हेन यू आर गोइंग आउट. एक्सपीरियंस दैट प्लेस, सी नाइस प्लेसेस, टेक पिक्चर्स आउट देयर एंड ट्राई डिफरेंट फूड्स. एंड Again, read this magazine.
Travel Plus so that you know what is available over there. And that's all I want to say. Hope you have enjoyed the segment. Neha Sawant with cameraman Mangesh, India Forums, Mumbai. Hi, this is Harshad Arora. Keep watching India Forums and do subscribe for WhatsApp TV.